मेरठ में न्यूटिमा हॉस्पिटल प्रबंधन और समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान आमने सामने हैं। दोनों तरफ से बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसी पर हम विधायक अतुल प्रधान से बात कर लेते हैं। अतुल जी, आपने तो लोगों की आवाज उठाई थी, पीड़ितों की बात करी थी, मरीज परेशान थे, आप गए थे, आप पे मुकदमा लिख दिया। देखिए, ये इसी के लिए कहते हैं कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये इन पर बिल्कुल फिट मुहावरा बैठता है। इन पर इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जांच पर यकीन नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने मुख्यमंत्री ने किसी चीज पर संज्ञान लिया और उस पर संज्ञान लेने के बाद में उस जांच को पूरा होने से पहले इन लोगों ने नाना सना बोलना शुरू कर दिया। अरे, इतने दूध के धुले हुए हो, सारे डॉक्टर खराब नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उनको वास्तव में लोग भगवान का दर्जा मानते हैं। मैं भी कई डॉक्टर ऐसे जिनके पैर छू के हमेशा बात करता हूँ, सम्मान करते हैं। लेकिन इसी व्यवस्था के बीच ऐसे भी लोग पनप गए हैं जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जिनके मन में ऐसा इस तरह की इच्छा जागृत हो गई, बस पैसा उनके लिए सब कुछ है। अरे, मैं कहना चाहता हूँ आपको, ईश्वर ने, परमात्मा ने हुनर दिया है, अरे सब चीज आपके पास है, क्या करोगे इतना पैसा खाकर? कैसे लूट लूट कर लोगों के जो है घर बिचवा कर, लोगों की भैंस बिचवा कर, लोगों का सब कुछ बर्बाद करके पैसा इस तरह से कमाया, तो क्या कमाया आप लोगों ने? आपने शपथ ली थी गरीबों को मदद करने के लिए, किसी की जात पंथ के नाम से, पार्टी दल के नाम से आप डॉक्टर नहीं हो। आपके पार्टी दल के हिसाब से सोच के काम नहीं करना है, आपको काम करना है इंसानियत के लिए। अगर इंसानियत नहीं होगी तो क्या होगा? इंसानियत नहीं है इन लोगों में, तो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं इंसानियत की लड़ रहे हैं। लड़ाई किसी अस्पताल की एक की नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की लड़ाई है। हमने सीएमओ साहब से कहा कि जितने मेरठ में हॉस्पिटल हैं, आपने जितने लोगों को एनओसी दी है, इनमें पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जहां पर डॉक्टर स्टाफ नहीं है, जहां पर अन्य स्टाफ नहीं है, अनाप शनाप तरीके से ट्रॉमा सेंटर झूठे सच्चे बना दिए, कहीं पर आईसीयू में कुछ नहीं है, तमाम चीजें इन लोगों ने कर रखी हैं। और जहां तक न्यूटिमा का जिक्र आता है इस मामले का, ये मैं एमडीए का एक प्रमाण पत्र है जिसमें उन्होंने साफ साफ सातवें नंबर पर लिखा है, स्थल पर नियमानुसार पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है, उपरोक्त कारणों से न्यूटिमा हॉस्पिटल को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। एमडीए ने इसको अवैध घोषित कर रखा है। बेसमेंट में, अपर बेसमेंट में, लोअर बेसमेंट में इन्होंने ओपीडी चला रखी है, ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर चला रखा है। अगर भगवान ना करे कोई आग लग जाए, कोई घटना कर जाए, जिम्मेदार कौन होगा इसका? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के डीएम साहब से, डीएम साहब इस बात का जवाब दें, अगर कोई बड़ी घटना होगी तो जिम्मेदारी वो लेंगे इस चीज की? क्या वो जिम्मेदारी लेंगे इसकी, इस चीज की? इनमें 40% जगह पर इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। क्या मांग? एमडीए से मांग करता हूं, जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जहां तक किसी डॉक्टर विशेष की बात है, अतुल प्रधान का ये पद होदा लोगों की मदद करने के लिए है, सहायता करने के लिए नहीं है। मैं बेईमानी के रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ, मैं लूट डग्गा मारी नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, सुबह से शाम तक अपना सामाजिक जीवन बिताता हूँ, उन्हीं में रहना पसंद करता हूँ, गरीबों में कमजोर लोगों के लिए काम करना मुझे पसंद है, वही मैं करूंगा। कई जगह देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माणों पर, तो अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस अस्पताल के बारे में पता करें, वहां पर इसकी जांच कराएं, पूर्णता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा उस सही जांच हो, यहां का प्रशासन सही जांच करें और एमडीए से पता करवाएं। मैंने एमडीए से कुछ जानकारी मांगी थी जिसमें साफ और स्पष्ट ये लिखा है कि इनको कोई पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं मिला है, इनको नक्शा इनको बना के देगा, उस नक्शे के हिसाब से इन्होंने कोई चीज वहां पर नहीं चला रखी, तो जो घटना वहां पर घटेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हम चाहते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, मैं कल से अमर अनशन पर बैठूंगा कलेक्ट्रेट पर बैठेंगे। अच्छा, तो एक चीज और मुझे बता दीजिए, आप पे मुकदमा करा, जो वहाँ मरीज उसके तीमारदार है उन पे भी और भी लोग? अरे, मैं कह रहा हूँ जो महिला थी ही नहीं वहाँ, महिला तो घर चली गई थी, बच्चा ही तो था वहाँ पर, उस महिला पर मुकदमा है। हम लोग, अरे पीटा तो इनको था, पैसे तो इनके छीने, ये तो बेचारे अब मन पिटकर परेशानी दिक्कत झेलकर चुप लगा गए, ये तो सिर्फ ये चाहते थे हमारा बच्चा चला जाए, हम लोग यहाँ से निकल जाएं, निकल गए थे वहां से, हमारे जाने के बाद चले गए। तो मुकदमा दर्ज कराने, हमने तहरीर देंगे, आज एसएसपी साहब से बात हुई थी, हम तहरीर देंगे, सबसे पहले मुकदमा तो अगर दर्ज होना चाहिए तो उन्हीं लोगों पर मुकदमा, इनकी तरफ से दर्ज होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर संदीप गर्ग है, वो भावुक हो गए, रो पड़े, उनका सीधा कहना अतुल प्रधान से डर लगता है। अगर वो वीडियो देखो, उनकी वीडियो देखो, मैं वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, तो मैं कहता हूं आपका जो ओहदा पद है आप उसके अनुरूप व्यवहार करिए, ऐसा मत करिए व्यवहार, ये सब ढोंग भरंगे नहीं चलते। मैं अगर यहाँ पर बैठ कर लूँ कि मुझे संदीप गर्ग से जान का खतरा है, ये तो गलत बात है ना। मुझे संदीप गर्ग जिसके जान का, डॉक्टर से, किसी से कोई जान का खतरा नहीं है मुझे। और कोई व्यक्ति अगर मुझे कहता है कि मुझसे
तो मेरे इस पद और ओहदे पर लानत है मेरे से अगर किसी को जान का खतरा हो। मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा अतुल प्रधान तो इस अंदाज में आते हैं। नहीं नहीं, हार्ट अटैक मान लिया हार्ट अटैक कोई अंदाज भी ना हो, मान लिया कोई खेती किसानी कर रहा है, कोई व्यापारी है, कोई वैसा है, तो हार्ट अटैक हम नहीं चाहते किसी का हार्ट अटैक हो, लेकिन मान लिया कोई बीमारी भी किसी को हो सकती है, कई लोग ऐसे भी होते हैं बीमारी नहीं होती उनको भी हो जाता है, तो अगर वो ऐसी बात करें तो उनको सोच समझ कर बात करनी चाहिए और हम मानहानी का नोटिस उन्हें देंगे जो उन्होंने बोला है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि दीपावली नजदीक है तो क्या जो आप बात कर रहे हैं, दीपावली पर ही हमारी दिवाली कैसी दिवाली, अगर हमारे लोगों पर जागती होगी, अगर मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, क्या प्रशासन के लोग देख रहे हैं कैसे दमे में लोग झूल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या हालत है इस समय, क्या किस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है, थोड़ी जगह गए पानी की बौछार सी की अच्छी अच्छी जगह पर कुछ नहीं भाई ढाक के तीन बार। अरे हम पूछना चाहते हैं डीएम साहब, आप बताओ ना ये बात, डीएम साहब बताएं ये बात कि हम आमरण आमरण डीएम साहब को ऑफिस के सामने करूंगा गांधी जी की तस्वीर रख के। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान मुकदमा दर्ज होने के बाद किस तरीके से गुस्से में है और सीधा कह रहे हैं कि जो आंदोलन है उनका वो आंदोलन जारी रहेगा और कल से डीएम ऑफिस के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो फोटो है उसे लेकर आम रणचन करेंगे। यानी फिलहाल दोनों के बीच चल रहा टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।